हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का जो है होम साइंस का चैप्टर नंबर 4th। चैप्टर 4 जो है आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो वित्त पोषक होते हैं, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो जो होते हैं तत्व, वो किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका क्या महत्व है। फिर हम यहाँ पर जो है आहार के बारे में जानेंगे, उसकी पोषण तत्व के बारे में जानेंगे, स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। तो ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर में बहुत और कुछ है जो आपको समझना चाहिए और एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, यह है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे यह होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है, प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या प्लस 2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है, MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ठीक है। दोस्तों, ये तो था आपके लिए, अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। आगे जो हम करेंगे दोस्तों, ये करेंगे पोषण तथा पोषण तत्व। देखिए, पोषण तथा पोषक तत्व जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं पोषण, देखिए पोषण और पोषक ये दो अलग वर्ड है, ठीक है, दोनों को आप एक नहीं समझिएगा। पोषण जिसे हमें पोषण होती है, पोषक तत्व आपको पता है पोषक तत्व के जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो है पोषण के बारे में पढ़े कि आखिर पोषण होती क्या है। पोषण के बारे में आप क्या कह सकती हो? हम सभी भोजन करते हैं, करते ही हैं, भोजन शरीर का जो है पोषण करता है, शरीर के स्वास्थ्य भी रखता है। हम जो भोजन करते हैं वो विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, जैसे पाचन हो गया, अवशोषण हो गया और शरीर के विभिन्न भागों में जो है रक्त संचलन द्वारा प्रयुक्त होती है। जिस भोजन का पाचन का अवशोषण नहीं हो पाता है वो निष्क्रिय कर देता है, यानी जहाँ पाचन नहीं होता है वहाँ पर जो है आपको पता है पेट खराब हो जाती है, आपका लू मोशन के शिकार हो जाते हो। तो पोषण जो होता है पाचन नहीं होता है तो वो निष्क्रिय कर देता है आपके शरीर को। कहते हैं भोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। देखिए, पोषण एक प्रक्रिया है, ये आपका डेफिनेशन है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसका उपयोग में लाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पोषण कहते हैं। तो पोषण आप माइंड से भूलना नहीं है, पोषण आपको समझ में आ ही गया होगा कि पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसमें उपयोग में भी लाया जाता है। कहते हैं भोजन जो है कुछ प्रक्रिया से गुजरती है, जैसे आपको पता है पोषण है भोजन खाना, फिर उसको पचाना, फिर रक्त में घुलना, विभिन्न अंगों में पहुंचाना और इसी द्वारा
प्रयुक्त होना। आपको पता है कि जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो ये हमारा सबसे पहले जो है पाचन तंत्र में जाती है, यानी आपका जो है स्टमक में जाती है, ठीक है। स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर सारे तरह के जो है आपको पैंक्रियास ग्लैंड जो होती है वहाँ पर एसिड देती है। एसिड की वजह से क्या होता है, खाना जो होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, और फिर उसके बाद जो होता है छोटी या बड़ी में, पहले छोटी में जाती है फिर बड़ी जो है आपको इंटेस्टाइन में जाती है। यहाँ पर से जो होता है सारे रस को जो है पानी को निचोड़ दिया जाता है और निचोड़ के किडनी को भेज दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो निचोड़ दिया जाता है और जो बेस्ट मटेरियल रह गया यानी ठोस यानी सॉलिड फॉर्म में जो रहता है मटेरियल, वो बॉडी के अंश के थ्रू निकल जाता है, गुर्दा के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। और जो ये पानी के फॉर्म में जिसको हमने निचोड़ लिया है और जिसको किडनी को भेजा गया है, और आपको पता है किडनी का काम जो होता है वो क्या करता है, उसमें से पोषण तत्व को छानता है यानी फिल्टर करता है, और पोषण तत्व को फिल्टर करके उसको जो है ब्लड में कन्वर्ट करके आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में भेजता है, ठीक है। जब ये न्यूट्रल हो जाती है, जब यूज़ हो जाते हैं, जब ये ब्लड के रूप में यूज़ कर लेती हो, तो ये जो होता है हृदय को भेजता है, और वहाँ हार्ट जो होता है वो हार्ट जो होता है आपको लंग्स को भेजता है, और लंग्स में जैसे वो ब्लड जाता है तो आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, तो ऑक्सीजन जैसे ही ग्रहण करते हो तो वो ब्लड को क्या कर देता है, प्यूरीफायर कर देता है यानी साफ कर देता है, उसमें जो कि डी ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड होते हैं तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन मिला के फिर वो हृदय को भेजता है, और हृदय पंचिंग करके यानी पंपिंग करके बॉडी के फिर डिफरेंट पार्टों में भेजता है। तो कहते हैं इस तरह से जो है हमारे शरीर में जो है पूरे शरीर में रक्त का संचरण होता है और पोषण तत्व की जो संचरण कैसी होती है, मैंने हर एक बात आपको बारीकी से समझाया है, तो इस बात को आप जरूर समझिएगा। और कोई क्वेश्चन करे कि हमारे शरीर में जो है भोजन कैसे कार्य करता है, तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं पोषण तत्व तथा उनके कार्य क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर के पोषण व स्वास्थ्य प्रदान करता है। भोजन में जो है नीत पोषक तत्व द्वारा शरीर के पोषण मिलता है। प्रश्न यह है कि यह पोषक तत्व कौन से हैं। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। देखिए पोषक तत्व जो होता है भोजन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज ये सारे के सारे जो है रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर के पोषण देने के लिए उत्तरदायी है, और यही चीज़ जो है हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती है। अब इसमें जो पोषक तत्व जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विहित पोषक तत्व, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें जो आप कह सकते हो इसको सिंपल लैंग्वेज में माइक्रो और मैक्रो, आप सोचिएगा दोनों वर्ड सेम है, नहीं दोस्तों, पहला जो है एम आई सी आर ओ मैक्रो है, और ये जो है एम ए आर सी ओ यानी इसमें आई और इसमें ए का अंतर है। तो कहते हैं कि इसको हम विहित पोषक तत्व कहते हैं, और ये जो होता है सूक्ष्म यानी माइक्रो, एम आई आर सी ओ माइक्रो, एम आई में आ गया, और ऊपर वाला जो होता है यानी विहित पोषक में क्या होता है, एम ए में आ जाता है। तो ये जो होते हैं विहित पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, विहित पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और सूक्ष्म तत्व जो होती है बहुत ही कम अमाउंट में आवश्यक होती है। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं और क्या हम जान सकते हैं। कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए विहित एवं सूक्ष्म दोनों की पोषक तत्व आवश्यक है। शरीर के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो इसलिए भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे जो आते हैं विहित पोषक तत्व यानी मैक्रो, एम ए सी आर ओ मैक्रो, ठीक है, न्यूट्रिशन एलिमेंट, ठीक है, ये भोजन में बड़ी मात्रा में उपस्थित कर रहते हैं। मैंने पहले कहा था कि जो विहित होते हैं अधिक मात्रा में हमें चाहिए होता है, और ये शरीर के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक भी होता है। इसका जो एग्जांपल, इसमें जो कौन कौन तत्व आते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा तेल विहित पोषक तत्व श्रेणी में आते हैं। याद रखना दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा एवं तेल विहित पोषक तत्व के में आते हैं। सबसे पहले तो इसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आप शकरा भी कहते हो, शकरा मतलब चीनी में भी काफ़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होती है, यानी कहते हैं प्रायः कार्बोहाइड्रेट स्टार्च कंद अनाज दाल आलू में बड़ी मात्रा में शकरा होती है। ये साधारण शकरा के रूप में चीनी गुड़ फल शहद और दूध में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। स्टार्च और शकरा आसानी से पचे होती है व शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपको पता है कि ये चीज़ें जो होती है हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
उसके पश्चात है प्राय शकरा अथवा आहारिल रेशे। देखिए इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट भोजन में जो है सेलुलोज तथा हेमुलोज़ के रूप में पाए जाते हैं जो कि शरीर द्वारा अपाच्य होते हैं। इसमें मल की वृद्धि होती है तथा इसमें मल निष्कर्ष में मदद मिलती है। मैंने अभी कहा भी था आपको कि ये रेशे होते हैं दोस्तों, फाइबर होते हैं, ठीक है। फाइबर का काम जो होता है जो सेलुलोज और हेमुलोज़ में के रूप में पाए जाते हैं, ये शरीर द्वारा पाचन नहीं किए जाते हैं और ये क्या करते हैं अपाच्य होते हैं। और शरीर में जो भोजन होती है, जो आपके मल होते हैं, उसको अच्छे से बॉडी से बाहर निकालने में इनका जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तभी मैं शुरू में कहा था ना कि रेशेदार सब्जी हमारे जो है मल त्यागने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन व्यक्तियों को कब्ज की शिकायत रहता है, उनको लैट्रिन साफ नहीं होती है, तो उनको रेशेदार सब्जियाँ खाने की आवश्यकता है, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि रेशेदार सब्जी होती क्या है, ये मैंने पहले वीडियो में सारी बातें जो है पहले बता चुका हूँ और इसके बारे में आपको दो राय नहीं होना चाहिए। कहते हैं शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु शकरा ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सस्ता स्रोत है, ठीक है। शकरा यानी आप जो चीनी गुड़ खाते हो बहुत सस्ता स्रोत होता है। यदि आपके शरीर में शकरा तथा वसा से पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, तब शरीर में प्रोटीन ऊर्जा लेने का काम करते हैं। अंततः प्रोटीन से शरीर की जो है उचित संचरण हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कार्बोहाइड्रेट और वसा पर्याप्त मात्रा में शरीर में रहे। देखिए दोस्तों, सभी एलिमेंट जो है हमारे शरीर में अपना एक विशिष्ट योगदान प्रदान करती है। कहते हैं कैलोरी भोजन में ऊर्जा का एक मापक है। देखिए दोस्तों, कैलोरी के बात यहाँ पर आया है तो आपको पता है हमें कितने मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये कैलोरी की गणना करने से हमें पता लगता है। देखिए सिंपल सी बात जो जनरली मैं बताना चाहूँगा कि जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं चाहे गांव क्षेत्र में, सबसे पहले गांव क्षेत्र में जो रहते हैं उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है और जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आप सोचिएगा कि इस गांव में इतना अधिक क्यों, क्योंकि गांव के लोग जो है मेहनत करते हैं इनके लिए, इसलिए उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है और शहरों में जो है बैठने वाला काम होता है तो 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आप सोचिएगा कि कैलोरी हमें कैसे पता लगेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप एक चपाती खाते हो तो कम से कम है 50-100 जो है आपको कैलोरी प्राप्त हो जाती है। वो डिपेंड करता है जो है आपकी रोटी की थिकनेस पर डिपेंड करता है, तो इसी से आप गणना कर लोगे कि कितना आप कैलोरी आपने ग्रहण किया है। तो इसलिए कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्य इस प्रकार। आप देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्य ये होता है कि शकरा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ये उचित मात्रा में शकरा के प्रयोग से भोजन की बचत शरीर संरचना के लिए भी आवश्यक होता है। कहते हैं आहारी रेशे मल वृद्धि करके मल त्याग की प्रक्रिया का आसान कर देता है, तो कार्बोहाइड्रेट कई मात्रा में इंपॉर्टेंट होता है। 1 ग्राम शकरा से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। याद रखिए 1 ग्राम शकरा खाने से आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो इसी हिसाब से आप कैलोरी की गणना भी कर सकती हो। अब शकरा के आहारी स्रोत क्या है, देखिए शकरा आपको कहाँ से मिलता है, अनाज गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि, या आप कह सकते हो कंद मूल, आलू, शकरा कंदी, चुकंदर और टैफियोका, या हो सकता है शकरा ले लो, गुड़ ले लो, दालें, राजमा, चना तथा अन्य सभी दालों में जो है शकरा जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। उसके पश्चात जो है प्रोटीन है। देखिए शरीर संरचना के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखिए 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितना मिलती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कहते हैं प्रोटीन छोटे छोटे पदार्थों से जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं मिलकर बनते हैं। ये कुल 22 होते हैं जिनमें से 8 ऐसे होते हैं जो हमारी शरीर द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। इन्हें आवश्यक यानी अमीनो एसिड कहते हैं और इन्हें भोजन से भी प्राप्त किया जा सकता है। बाकी अन्य सभी अमीनो एसिड हमारा शरीर बना लेता है। देखिए अमीनो एसिड बहुत से जो है बना लेता है और जो 8 ऐसे होते हैं जिनको बनाना इसके लिए संभव नहीं होता है, तो वो हमें जो होता है भोजन से प्राप्त होता है, जिससे हमें शरीर स्वस्थ रहता है। अब प्रोटीन के कार्य क्या हैं, तो इसमें सबसे पहला प्रोटीन कार्य तो यही आता है कि शरीर के तंतुओं की वृद्धि, मरम्मत तथा रखरखाव के लिए भी आवश्यक होता है। यानी शरीर के जो फाइबर्स होते हैं उनको ये मरम्मत करता है। एंजाइम, हार्मोन, हीमोग्लोबिन तथा प्रतिपिंड, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। देखिए एंटीबॉडी तो आपने नाम सुना ही होगा। कहते कोरोना वायरस को मारने के लिए साइंटिस्टों ने एंटीबॉडी बनाया
और आप देखिए एंटीबॉडी हमें किससे मिल रही है, प्रोटीन से। तो समझ सकते हो ना कि हमारे लिए जो है भोजन कितना महत्वपूर्ण है। देखिए एंजाइम, हार्मोन, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को खून भी कहते हैं, यानी ठीक है, यानी एंटीबॉडी बनाने में जो है प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद है रक्त जमाव में भी सहायक होता है। रक्त जमाव का मतलब होता है कि अगर आपका खून जो है बह रहा है, तो आपको पता है अगर इंसानों के अंदर से खून बहता ही चला गया तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसको मृत्यु ना हो इसलिए क्या करता है, रक्त जमाव में जो है प्रोटीन सहायक होता है। जैसे आपको कट लगता है, चंद सेकेंड के लिए खून बहता है, उसके बाद जो है वहाँ पर एक क्लोटिंग पड़ जाती है, यानी खून जो होता है थक्का हो जाता है। तो इसका कारण जो होता है प्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो फैब्रिक्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन अदा करती हैं। तो आवश्यक पड़ने पर ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब आपको पता है कि जब आपको अधिक काम करने की आवश्यकता होती है तो ये प्रोटीन जो है हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है। अब इसके स्रोत्र क्या है, तो स्रोत आसानी से आप जान सकते हो कि मांस, मुर्गे, मछली, अंडे, दूध, चीज़, पनीर, दही, सोयाबीन, मटर, दालें, अनाज, सूखे मेवे, तिलहन जैसे तिल, मूंगफली आदि, ये सारे जो है इसके मुख्य स्रोत्र हैं। उसके पश्चात है विशेषताएं। देखिए क्या है विशेषताएं, पशुओं से प्राप्त प्रोटीन जैसे मांस, अंडा, दूध आदि वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन जैसे दाल, अनाज आदि अपेक्षा बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं। प्रत्येक आहार में एक या अधिक जो है प्रोटीन के स्रोत का जो है समावेश करने से हमें पर्याप्त मात्रा में जो है प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। कहते हैं यहाँ एक बात जानने वाली है, जब शरीर को उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा नहीं मिलते हैं तो प्रोटीन ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं तथा वह शरीर संरचना जैसे जुड़ी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसके पश्चात जो है वसा व तेल। देखिए वसा और तेल का मतलब समझ ही गए होंगे, जो भी आपको चिपचिपाहट वाली पदार्थ आप ग्रहण करते हो वो सारे वसा ही कहलाता है। चाहे वो तेल हो, चाहे आपका कोई भी चीज़ हो, चाहे हनी हो, जो भी, चाहे आपका गाय का घी हो, जो भी हो जिसमें चिपचिपाहट सा होता है, वो सारे के सारे जो होते हैं वसा होता है। इवन आपका जो सरसों तेल यूज़ करते हो वो भी वसा में ही आता है। तो कहते हैं वसा व तेल हमारे शरीर में ऊर्जा के जो है केंद्रभूत स्रोत्र हैं। एक ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों सब में 4 था ये था, लेकिन तेल जो होती है डायरेक्ट आपको दुगना से 3 गुना ऊर्जा देती है। तभी कहते हैं ना जो आजकल ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम होती है, मोटापा का जो प्रॉब्लम होता है वो अधिक वसा खाने से होता है। और वसा आप लोगों को पता है कि बर्गर, नूडल, ये सब में इतने तेल डाले जाते हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं होता, और आप लोग बड़े ही चाव से खाते हो, और मोटापा का सबसे बड़ा कारण और बीमारी का सबसे बड़ा जड़ यही बनता है। तो कहते हैं 1 ग्राम अगर वसा लेते हो तो आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा छोटी से छोटी इकाई जिन्हें फैटी एसिड भी कहते हैं से मिलकर बना होता है। वसा के प्राकृतिक उसमें उपस्थित फैटी एसिड पर निर्भर करता है। फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। देखिए संतृप्त का मतलब होता है जो है सैचुरेट, यानी वासी अम्बल फैटेड एसिड ठोस वसा में पाए जाते हैं, और असंतृप्त जो होते हैं वासी अम्बल तेल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वनस्पति तेलों में जो है असंतृप्त वसीय अम्बल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि वसा तेल में क्या अंतर है? जब कोई पदार्थ कमरे के सामान्य तापमान पर तरल होता है तो तेल कहलाता है, ठीक है, और कमरे के तापमान पर ठोस होता है तो वो वसा कहलाता है। कमरे के तापमान में अगर कोई ठोस होता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो वसा है। जैसे आपने देखा होगा डलडा, डलडा आप लाते हो ना, गगन डलडा, ये डलडा जो बहुत से नाम होते हैं डलडा का, देखते हो कि जब के वो गर्मी रहता है तो वो पिघल जाता है, लेकिन जैसे कमरे के तापमान पर रहता है तो वो जम जाता है। जो जम गया समझिए वही वसा है। लेकिन कई कई बार जो है नहीं जमता है, कारण इसका ये होता है कि आजकल जो है बेचने वाला भी बहुत तेज है, वो क्या करते हैं ऐसे केमिकल डाल देते हैं जो इसकी रिएक्शन ही होने नहीं देती और वो जमते ही नहीं है। आज ऐसे बहुत से तेल हैं जो डुप्लीकेट तेल हैं फिर भी जो है अच्छे अच्छे दामों में जो है बिक रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वसा तथा तेल के स्रोत्र व कार्य। देखिए इसमें जो है कार्य क्या होता है, ऊर्जा का केंद्रभूत स्रोत्र होता है हमारा वसा जो है सबसे अधिक, ठीक है। प्रोटीन का ऊर्जा के रूप में भी होने वाले प्रयोग को कम करता है, यानी प्रोटीन जो होता है का ऊर्जा के रूप में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, याद रखना दोस्तों ये वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं कौन होते हैं, यानी सोलेबल इन द फैट, इट इज़ अ ए डी ई के, याद रखना जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन है, ए डी
ई के को पुण्य शरीर में पहुंचाता है और इसको अवशोषण में भी मदद करता है। शरीर का तापमान बनाए रखता है। तत्वों के नीचे वाषा शरीर को गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है। आपको जो गर्म महसूस होता है सर्दियों में वो सब वाषा के कारण ही होता है। कोमल बल महत्वपूर्ण शरीर अंगों को संरक्षण भी देता है। तत्व के विकास में भी सहायता करता है। यानी बहुत से तंतु हैं यानी शरीर के विकास में वाषा जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ तभी फायदेमंद होती है जब वो पर्याप्त मात्रा में हो। कहते हैं वाषा अगर हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाए तो हमें 100,000 बीमारियां हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन वही अगर सही मायने में आपके बॉडी में रहेगा तो आपको अच्छा होगा, आपको साथ बुरा नहीं होगा। उसके पश्चात जो है सोत्र। अब देखिए सोत्र में क्या आ जाता है, वनस्पति तेल आ जाती है, घी, मक्खन, तिलहन, मूंगफली, मांस, मुर्गी, ठीक है, मछली, अंडे, दूध, पनीर, चीज़। देखिए सब में तेल की मात्रा होती है, इसलिए इसमें वनस्पति सब के सब जो है ऑयली पदार्थ ही है जिसमें आपको अधिक मात्रा में जो है वसा प्राप्त होती है। तभी कहते हैं ना वसा को थोड़ा कम अमाउंट में लेना चाहिए, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगी। यानी जो ये जो होता है अधिक मात्रा में तेल लेने से आपके जो नर्व्स होते हैं जहाँ से ब्लड सप्लाई आपके बॉडी तक पहुँचती है वहाँ पर जो होता है फैट जम जाता है और इसी फैट जम जाने के कारण ही आपको हार्ट अटैक या हार्ट अटैक होती है और आप जो होते हो आपके बॉडी जो है सुचारू रूप से कार्य करना भी बंद कर देता है, यानी लकवा का भी कारण बन जाता है। तो कहते हैं ना पढ़ाई करोगे तो बहुत कुछ समझोगे। उसके पश्चात है विशेषता। देखिए वसा से भोजन में स्वाद, पाचनशीलता व सुंदरता बढ़ती है। वसा से पेट भरे रहने की अनुभूति होती है, यह ज़्यादा देर तक पेट में ठहरता है। आपने इस पे एक बात देखा होगा कि आपने साधारण रोटी खाया होगा, नॉर्मल रोटी, तो उसके भूख जो होता है आपको 12 बजे फटक से लग जाती है। लेकिन वही अगर आपने पूरी खा के घर से गए होगे तो आपको जो है रात तक भूख नहीं लगती। कारण क्या होता है दोस्तों, समझ गए होगे ना कि उसमें क्या होता है वासा। पूरी में क्या होता है वासा बना होता है, तेल में जो है ताला हुआ होता है, तो इसके तेल जो होता है हमारे बॉडी अब्सॉर्ब जल्दी नहीं कर पाता है और आपको जो है कई घंटों तक आपको भूख नहीं लगती है। इवन जब आप रोटी खाते हो, सिंपल रोटी खाते हो, साधारण रोटी खाते हो, तो उसमें वासा नहीं होती है और वो आपको जल्दी ही पाच्य हो जाता है और आपको जो है दूसरा खाना खाने की आवश्यकता पड़ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो, MICRO, माइक्रो पोषक यानी पोषण एलिमेंट। तो ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो शरीर भोजन में अल्प मात्रा में रहते हैं, ये बहुत ही हमारे शरीर में कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है पर शरीर के लिए आवश्यक होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, यानी जो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। ये डेफिनेशन है। खनिज और जो है विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व के श्रेणी में आते हैं। यदि यह सूक्ष्म पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं खाए जाए तो कुछ रोग होने की संभावना सदैव बनी रहती है। कहते हैं खनिज तथा विटामिन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। खनिज और विटामिन कौन दोस्तों, खनिज और विटामिन जो है इसके जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इसमें जो है विटामिन क्या कहता है देखते हैं। विटामिन हमारे शरीर में जो है विटामिन अति अल्प मात्रा में रहते हैं पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर के सभी कार्य में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील, ये आपको पता ही होगा, मैंने अभी समझाया था कुछ देर पहले, ADE और K होता है, और पानी में जो घुलनशील होता है वो होता है B और C। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील कौन होता है, ADE और K, और पानी में घुलनशील कौन होता है, B और C। तो देखिए चलिए देखते हैं इनके कार्य क्या है। इसमें सबसे पहले तो यही आता है विटामिन ए। देखिए ये जो होता है, जो कार्य जो होता है नेत्र के उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। इसका स्रोत जो होता है जिगर, अंडा, मछली, तेल, दूध और दूध के उत्पाद और हरी जो है पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, मेथी इत्यादि। उसके बाद जो है यह हमारे त्वचा, नाक, मुँह, गले, आँख, कान, फेफड़े और अन्य अंगों के अंदर की परतों को स्वस्थ रखता है। देखिए इतने सारे जो है इसके कार्य होते हैं। ये पीले लाल फल और सब्जी जैसे पपीता, संतरा, गाजर, काशी फल, आम आदि में ये पाया जाता है। उसके पश्चात है विटामिन डी। देखिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका सबसे अच्छा जो है स्रोत जो होता है सूर्य के प्रकाश ही होता है। कहते हैं दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जिसमें सूरज की रोशनी में त्वचा द्वारा निर्मित की जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस का शरीर में उपयोग और अवशोषण करने में मदद भी करता है, जैसे अंडे, जिगर, मछली,
तेल तथा दूध मक्खन भी अच्छे स्रोत हो सकते हैं। इसमें रिफाइंड तेल और घी जो कि विटामिन डी के मिश्रित होते हैं इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी जो होता है ये, अगर आप धूप में खड़े भी रह जाते हो ना, तो हमारा त्वचा जो होता है ऑटोमेटिक विटामिन डी को अब्सॉर्ब करता है और वो जो है शरीर को और हड्डियों को मजबूती भी प्रदान करता है। उसके बाद आता है विटामिन ई। देखिए विटामिन ई जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ तत्वों को नष्ट होने से बचाता है। देखिए कुछ तत्वों को नष्ट होने से इसका कार्य होता है बचाना। इसमें कहाँ पाया जाता है, ये सभी अनाज दाल और वनस्पति तेल में जो है ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष विटामिन के, देखिए ये चोट लगने पर रक्त को जमाने में मदद करता है। ये काम होता है विटामिन के का, याद रखना कि अगर चोट उट लगती है तो जो ब्लड को थक्का बनाता है वो उसका काम जो होता है विटामिन के का। कहते हैं आंतों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होती है ये, ठीक है। ये हरी पत्तेदार सब्जी, अंडे और जिगर में पाया जाता है। देखिए जो मांसाहारी हैं वो अंडे और जिगर खा सकते हैं, लेकिन जो शाकाहारी हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियाँ खा के इस विटामिन के को जो है मात्रा को पूरा कर सकते हैं। वो जो हमने पढ़ा था वो था जो है बासा में घुलनशील विटामिन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन के कार्य और स्रोत। देखिए जल में घुलनशील विटामिन है तो इसमें यही आता है, सबसे पहले विटामिन बी। इसमें कॉम्प्लेक्स कुल 8 विटामिन मिलकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, जैसे थायरामीन, ठीक है, राइबोफ्लेविन्स, नायसिन आदि बहुत से होते हैं जिसके बारे में हम आगे करेंगे। इसका कार्य यही होता है दोस्तों कि शरीर में शर्करा के उपयोग में सहायक होता है। स्नायु स्थान को सामान्य काम करने में मदद करता है। स्नायु जो आपके पैरों के घुटनों में होती है, ठीक है, जिसको हम लिक्विड कहते हैं, उचित वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। शरीर के अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। रक्त में लाल कोशिकाओं को बनाए रखने में मदद करता है। देखिए रक्त में लाल, लाल का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, यानी RBC की बात कर रहा है, यानी जो आपके बॉडी में जो आपका खून लाल होता है उसके बनाने में जो है विटामिन बी का कार्य होता है। यानी ये विटामिन बी जो होता है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो होता है ब्लड रेड दिखता है। और इसका स्रोत देखिए कोई खास नहीं है, जिगर, मुर्गी, मांस, मछली, अंडे और साबुत अनाज दालें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और दूध। जो शाकाहारी हैं उनको साबुत अनाज दालें हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की आवश्यकता होती ही होती है, और जो नहीं खाते हैं उनका जो है सुचारू रूप से बॉडी कार्य नहीं कर पाता है। उसके पश्चात है विटामिन सी, ठीक है, ये जो है जल में घुलनशील है विटामिन सी। तो ऐसे तत्व के निर्माण में सहायक होता है जिसमें तंतु और कोशिका जुड़कर रहती है, ठीक है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मजबूत दांत और हड्डियों के लिए भी आवश्यक होता है ये। इसमें हीमोग्लोबिन के को बनाने में भी सहायक होता है और शरीर में अन्य पोषक तत्व को उपयोग में मदद भी करता है। कहते हैं रोग को कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता में भी मदद ये करता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वही होता है रसदार फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद आदि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें के बाद जो है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, अंकुरित दालें जैसे चना, चना को अंकुरित करके भी आप खाओगे तो आपको विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हम कुछ और ही खाएं, ये भी जो है साधारण है, आंवला भी खा सकते हो, संतरा भी खा सकते हो, नींबू, अमरूद। तभी तो कहते हैं जो मौसमी फल होते हैं उनको आप जो है अच्छे से और मजे से खाओ। आगे जो हमारे समक्ष है वह खनिज लवण। देखिए मिनरल्स का भी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है, आपको सोचते हो कि पानी हमारे शरीर में क्या भूमिका अदा कर सकता है। दोस्तों आपको पता है कि हमारा शरीर जो है 75% वाटर से भरा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हमारे शरीर में वाटर का जो है पानी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो कहते हैं जो बच्चे पानी नहीं पीते हैं, जो बच्चे पानी नहीं लेते हैं, उनको याद रखना कि वो कई तरह की बीमारी के शिकार हो जाएंगे। कहते हैं ना हर चीज़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है। तो इसमें कहते हैं कि संपूर्ण शरीर तंतुओं में खनिज बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं, ठीक है, और परंतु ये शरीर को बनाए रखने और अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होता है। कहते हैं कुल 19 खनिज लवण ऐसे हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए विभिन्न मात्राओं में आवश्यक होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे कि खनिज में कौन कौन से पदार्थ जो है हमारे लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष एक ही नाम है, कैल्शियम। देखिए कैल्शियम जो होता है हमारे लवणों में से महत्वपूर्ण लवण है। कहते हैं आपको पता है कैल्शियम हमारे कई जगह बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कैल्शियम और फास्फोरस हमें दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, रागी, तेल, दालों और बीजों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है।
कहते हैं अन्य भोजन पदार्थ भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम प्रदान करता है। ठीक है, आपने यहाँ पर हर जगह नोट किया होगा कि हरी पत्तेदार सब्जियों को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। तो इसका मतलब है कि आपको हरे पत्तेदार सब्जी में हर तरह के जो है पोषण तत्व आपको मिल सकता है। कहते हैं कैल्शियम का मुख्य कार्य दांतों तथा हड्डियों को बनाए रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है चाहे हड्डी हो चाहे दांत हो, वो कैल्शियम के बने होते हैं। अगर आप कैल्शियम अच्छे मात्रा में लेते हो तो ये सब जो रहेंगे स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी तरह के जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने कहा ना, जो समझ लेगा वो आधे आधे क्या पूरे बीमारी से छुटकारा पा भी जाएगा। तो यही बात तो आप लोग समझते हो, नहीं आप लोग सोचने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, कैल्शियम की कमी से शरीर में हड्डी की वृद्धि कम हो जाती है। तो आपको पता है कई बार बच्चे जो होते छोटे रह जाते हैं, तो कारण इसका यही होता है कि उनको कैल्शियम जो है पर्याप्त मात्रा में बचपन में उपलब्ध नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनके जो है हड्डियों में जो है वृद्धि नहीं हो पाया। इसका असर जो है खासतौर बच्चों तथा बुजुर्गों पर पड़ता है। देखते हैं बुजुर्ग जो होते हैं वो भी खाना में जो है गलत तरीके के रूल रेगुलेशन अपनाते हैं, और बच्चे तो होते ही होते हैं, बच्चे तो चलो नादान होते हैं। ठीक है, इनकी कमी से जो है ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाता है, जैसे हड्डी कमज़ोर हो जाती है तथा जल्दी टूटने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में है तो आपके बॉडी जो है सुचारू रूप से कार्य करना भी शुरू रखता है। कहते हैं मांसपेशियों में कि गतिशीलता तथा रक्त जमाव के लिए भी कैल्शियम आवश्यक है। देखिए, जो ब्लड जो क्लोटिंग होती है उसके लिए भी कई हद तक कैल्शियम भी जिम्मेवार होता है। अगर कैल्शियम आपके बॉडी में रहेगा तो खून का जो है थक्का जल्दी बन जाएगा, यानी खून का जो हर्ष होगा यानी खून का जो लोसिस होगा उससे आप बच जाओगे। कहते हैं हड्डी बनाने और रक्त जमाव तथा मांसपेशियों की गतिशीलता के लिए कैल्शियम अनिवार्य है। देखिए, हड्डी बनाने में और रक्त जमाव के लिए यानी खून को थक्का बनाने में और मांसपेशियों की गतिशीलता यानी मांसपेशियों को जो है एक्टिव कर रखने के लिए कैल्शियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र माना जाता है। कहते हैं लोह तत्व, उसके बाद आता है लोह तत्व यानी आयरन। अभी लोह तत्व का मतलब ये मत समझिएगा कि लोहा है, नहीं, ये आयरन होता तो उसी का फॉर्म है बट आयरन है। अब ये नहीं कीजिएगा कि लोहे ही चबाने लग जाइएगा, दोस्तों ऐसा नहीं है, आयरन होता वही चीज़ है बट थोड़ा सा ये डिफिकल्ट एलिमेंट में आता है। ठीक है, शरीर के लोह तत्व बहुत ही अल्प मात्रा में चाहिए होता है। देखिए, बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। ये हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक भाग होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है लोह तत्व से भी बना रहता है। तभी आप देखते होंगे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसको आयरन की गोली देते हैं। कभी सुना है आपने? नहीं सुना है तो अगर घर के आसपास कोई भी अगर व्यक्ति हो, कोई भी जो स्त्री हो, उसे पूछिएगा कि गर्भ के दौरान जब वो डिस्पेंसरी में गए थे तो क्या उनको आयरन की गोली दिया गया था। ज़रूर दिया हो गया होगा, क्योंकि आयरन से जो होता है खून बनने में हेल्प करता है। और आपको पता है कि बच्चों को पोषण करने के लिए, बच्चों को पेट में वृद्धि करने के लिए जो है आयरन यानी खून की आवश्यकता अवश्य होती है। तो इसीलिए सरकार की तरफ से जो है आयरन की गोली फ्री में जो है डिस्पेंसरी में दी जाती है। ठीक है, जिन बच्चों ने पूछे होंगे वो ज़रूर मुझे कमेंट करना, और कमेंट नहीं करोगे तो समझ जाऊंगा कि आपने चैप्टर ध्यान से नहीं सुना। ठीक है, अगर अच्छा भी लगता है तो कमेंट करके मुझे जो है डन करके बताइए, और बताइए कि आपके समझ जो है मेरे समझाए गए चीज़ों से आपको फ़ायदा हुआ है। चलिए, ये तो आपके लिए था, समझना और शेयर करना और आपको मुझे प्रोत्साहित करना, ये आपका कार्य है। तभी तो कहा हूँ, अगर आप मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा तो आपको ऐसे से बात बताऊँगा कि जीवन में आपको कभी भी डॉक्टर के पास या कहीं भी कोई तरह गलतियां नहीं होगी और आपका जीवन जो है बहुत सुचारू रूप से चलेगा। चलिए, हीमोग्लोबिन रक्त की लाल कोशिकाओं में जो है रहता है तथा रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। याद रखना, आयरन के कारण ही जो खून होता है लाल होता है, यानी हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी खून जो लाल होता है वो आयरन तत्व के कारण ही होता है। ये जो मैक्सिमम किस चीज़ में पाई जाती है, ये आप साबुत अनाज व दालें, हरे शरीर जो है दालें हमारे शरीर को लोह तत्व प्रदान करता है। याद रखना, साबुत अनाज दालें हमारे शरीर को लोह तत्व प्रदान करता है। और साथ में तो एक बात आपको हमेशा है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये तो होना ही होना है, क्योंकि सबसे अधिक आपको पता है आयरन किस में पाया जाता है? पालक में।
आपने पोपाई द सेलर मैन देखा है कभी? जैसे वो पालक खाता है उसके बॉडी में आयरन बन जाती है और किसी भी दुश्मन को फटाफट मारने लग जाता है। देखा है पोपाई द सेलर मैन? नहीं देखा है तो एक बार मोबाइल पर रिसर्च कर लेना, अपने आप पता लग जाएगा कि वो स्पैनिश खाता है और डायरेक्ट उसके पास जो है लोहा की पावर आ जाती है। ठीक है, अंडे के पीले भाग से जिगर और मांस से भी लोह तत्व प्राप्त होती है। अंडे में आपने देखा होगा जो पीला पदार्थ होता है उसमें जो है लोह अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। हमारे देश में जनसंख्या एक बड़ा भाग है, विशेषकर महिला एवं बच्चे, लोह तत्व कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया से ग्रस्त है। आपको शायद ये जान के बहुत ही दुख महसूस होगा या आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जो है एनीमिया से शिकार लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है। ठीक है दोस्तों, कहते हैं हर एक चौथा व्यक्ति जो है एनीमिया के शिकार हो जाता है, यानी खून की कमी का शिकार होता है। कारण क्या होता है? सुचारू रूप से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, न लो मात्रा उनके बॉडी में बनता है, न वो अच्छे हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा देश में जो है सबसे बड़ी समस्या जो है एनीमिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है। एनीमिया किसी को भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति को हो सकता है, मैक्सिमम ये औरतों में देखा गया है। क्यों? क्योंकि औरतें जो होती हैं आपको पता ही है कि मैरिज से पहले जो है थोड़ा सा अमाउंट में भोजन ग्रहण करना जानती है, क्योंकि उनको बॉडी फिटनेस रखना है ना। मैं तो ये जानता हूँ कि बॉडी, अगर देखिए भोजन आप पर्याप्त मात्रा में करते हो, अगर काम भी आप पर्याप्त मात्रा में करते हो, पढ़ाई करते हो, काम करते हो, आपका सारा बॉडी के जो है जो फैट होगा ऐसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो खाने में कमी का क्यों करना? तो आप खाने में कमी कर देते हो, आप पढ़ाई लिखाई जोर शोर से करते हो, तो सारा जो होता है पढ़ाई लिखाई आपका खून चूस लेता है और आपके बॉडी में क्या रह जाता है? सिर्फ हड्डी, और आप किस बीमारी के शिकार हो जाते हो? एनीमिया। एनीमिया जो होता है ब्लड से संबंधित एक बीमारी है जिसमें ब्लड जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है। आपको पता है कि कोई जनरली व्यक्ति होता है उसमें 14 ग्राम पुरुषों में, ठीक है, 14 ग्राम स्त्रियों में और जो है 12 ग्राम जो होता है पुरुषों में खून की आवश्यकता होती है। अगर 12 या 14 ग्राम से कम खून है तो समझ जाइए कि आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, और जो 7, 6, 8 ग्राम होते हैं समझिए वो तो एनीमिया के शिकार ही हो चुके हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि लोग लो तत्व युक्त भोजन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे भोजन में एक्लिजिलेट और फाइटेट होने से लोह तत्व का प्रयोग संचार शरीर में कम हो पाता है। कहते हैं प्रोटीन सी और जो है प्रोटीन लोह तत्व के संचार और उपयोग में सहायक होता है। क्लोजिलेट और फाइब्रिलेट को वाधक तत्व कहा जाता है, जबकि प्रोटीन और विटामिन सी की सहायता तत्व कहा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बच्चों और महिलाओं को रक्त की कमी से मुक्ति पाने के लिए जो है लो गोलियां वितरित करती है, जिसे हम आयरन गोली कहते हैं। याद रखना, लो गोली मत समझिएगा, आयरन की गोली जो होता है बड़े डिस्पेंसरियों में यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बांटी जाती है। कहते हैं हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोह तत्व अति आवश्यक है, यानी खून के निर्माण, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोह तत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारे पर समक्ष आता है आयोडीन। आयोडीन तो आपको पता है, आयोडीन जो होता है, साधारण मैं शब्दों में बता दूं तो आयोडीन नमक को कहा जाता है। ठीक है, जो आप नमक यूज़ करते हो ना उसमें आयोडीन जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। अब ये नहीं कि आयोडीन प्राप्त करने के लिए आप अधिक से अधिक नमक ही खाने लग जाओ, ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है दोस्तों। नमक अगर पर्याप्त मात्रा में ही लिया जाए तभी आपको जो है आयोडीन मिल जाएगा। कहते हैं आयोडीन के कारण जो होता है थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाली थायरोक्सिन नामक हार्मोन को लिए आयोडीन की आवश्यकता तत्व है, यानी थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी है। थायरोक्सिन से शरीर में बहुत से कार्य संपन्न होने में मदद मिलती है। ठीक है, पानी और भोजन आयोडीन के अच्छे स्रोत होते हैं। पानी और भोजन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत होता है। कहते हैं केवल कुछ पौधे जो है आयोडीन से भरपूर होते हैं और हमें अच्छी मात्रा में आयोडीन देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है समुद्री भोजन भी आयोडीन से भरपूर होता है। जो समुद्री भोजन ग्रहण करते हैं जैसे मछली उछली खाते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में जो होता है आयोडीन पाया जाता है। हमें अच्छे मात्रा में जो है आयोडीन देते हैं समुद्री भोजन। कहते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा या गर्दन की जो अतिवृद्धि नामक रोग हो जाते हैं, आपने देखा होगा कई कई व्यक्तियों के ना गले में जो है वृद्धि सूजन सी हो जाती है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण ही होती है। आयोडीन कमी से बच्चों में मानसिक मंदता भी आती है। देखिए सबसे बड़ा कारण, और देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आप बच्चों को आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं देते हो ना तो आपके बच्चे जो होंगे अनपढ़ हो जाएंगे। मदबुद्धता का मतलब होता है अनपढ़, यानी आयोडीन बचपन में अगर बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ना दिया जाए। अब ये नहीं कि छोटे से बच्चे को या आप नमक खिलाने लग जाओ, ऐसा गलती नहीं करना। बच्चे जो होते हैं 6-7 महीने के हो जाते हैं, 8 महीने के, जिसको आप धीरे धीरे दलिया खिलाने लग जाते हो तो कुछ अमाउंट में उसमें नमक के भी बूंद डालो, इससे
क्या होता है, उनको पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिलती है और उनका बुद्धि का जो होता है विकास होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ जो है सही ढंग से और रूल रेगुलेशन से करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं भारत में कि अनेक भागों में निवासी इस अभाव से प्रभावित पाए जाते हैं। कहते हैं आयोडीन से ग्रस्त हमारे देश में बहुत से लोग हैं। आप देखते ही होंगे कि गांवों में जो होती है साधारण जो है जहां से नमक बनती है वहां से डायरेक्ट जो है लोगों तक सप्लाई कर दी जाती है, जो गलत है। आजकल बहुत से ऐसे नमक है जो कि है आयोडीन युक्त बनाई जाती है, तो आप भी ऐसे ही नमक का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहे और आपको जो है ऐसी बीमारियों से बचा जा सके और आपके बच्चे जो हो बुद्धिमान हो। तो बच्चों के लिए आयोडीन नमक युक्त भोजन ही देने की आवश्यकता होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि अभिवृद्धि और विकास के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके शरीर में विकास करना है और आपको अपनी वृद्धि तेज करना है तो आयोडीन युक्त नमक ही बच्चों को खिलाइए जिससे कि उसको धीरे धीरे उसका विकास हो। देखिए कोई चीज़ डायरेक्ट खा लेने से कोई विकास नहीं होता है, ये बात सदैव याद रखना। कहते हैं जैसा अमाउंट आप लेते हो उसी अमाउंट में जो है प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है और आपका बुद्धि जो होगा सदैव विकसित होता चला जाएगा। कहते हैं घेंगा से बचने के लिए हमें अपने प्रतिदिन के आहार में आयोडीन के स्रोत का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। साधारण नमक के स्थान पर हमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। आपको पता है बहुत सी कंपनियां जो है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक देखिए और फिर उसका उपयोग भी कीजिए। कहते हैं आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग प्रतिदिन अपने आहार में करना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है। कहते कुछ भोज्य पदार्थ जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, गाजर, भिंडी, तिलहन में एक जो है गाइट्रोजन नामक तत्व निहित होती है। गाइट्रोजन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो थायरॉक्सिन के बनने और उसके उपयोग में बाधक होती है। ये गाइट्रोजन भोजन पकाते समय नष्ट हो जाती है। कभी कभी आप जब भोजन को खूब पका देते हो ना, तो इससे भी जो है ये तत्व नष्ट हो जाता है। अंत ऊपर बताए गए भोज्य सामग्री खाने से पहले पका लेना चाहिए। देखिए कुछ भी भोजन होता है, कई भोजन तो आप जो कच्चे भी खा लेते हो, जैसे गाजर होता है, मूली होता है, ये आप जो हो डायरेक्ट खा लेते हो, जैसे सलाद उलाद हो जाता है सब कच्चे खा लेते हो, तो इसमें जो है आपको पता जो होना चाहिए गाइट्रोजन नाम के जो है तत्व जो है आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। आपको पता है जो ईश्वर ने कोई चीज की रचना किया है ना, तो ये मानव को देख के रचना किया है, लेकिन मानव ने क्या किया है अपने आप को आधुनिकता के आड़ में उन्होंने सब बनावटी चीज खाना शुरू कर दिया है। आप लोग को जो है बाहर के जो है तरह तरह के जो है सॉस वॉस खाने की बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है। सलाद आपको घर में मिलता है तो आप उसको किनारे कर देती हो। अरे दोस्तों, अपने जीवन को क्यों नष्ट करने पर लगे हुए हो? क्या आपको जो है आपका शरीर जब बेड पे पड़ा हुआ रहेगा और आप दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे, क्या ऐसा चाहते हो? अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो हर भोजन जो आपको घर में मिलता है पर्याप्त मात्रा में खाइए। यही त्रिपान स्टडी सेंटर का जो है उद्देश्य है, क्योंकि हमारा देश स्वस्थ रहेगा, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा देश जो है मजबूत बनेगा और आने वाला जो मुसीबत है उससे भी लड़ सकेगा। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है पानी। अब पानी से कौन बच्चा परिचित नहीं होगा, इसका तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे जो है पानी हमारे शरीर का मुख्य पोषक तत्व है। शरीर का जो है 2/3 भाग पानी होता है। तो आपको मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि 75% जो होता है पानी में ही हमारे शरीर में होता है। भोजन के बिना गुजारा हो सकता है, ठीक है, भोजन के बिना भी आप कुछ दिन तक जीवित रह सकते हो, किंतु पानी के बिना नहीं। यह हमारे शरीर के सभी जो है कोशिकाओं और अंगों को तंतुओं में पाया जाता है और ये तंतुओं और अंगों के चारों ओर से संरक्षित देकर उनकी आघातों से रक्षा भी करता है। पानी की सहायता से पोषक तत्व पाचन, अवशोषण और संवहन की प्रक्रिया द्वारा शरीर में पहुँचाते हैं। पानी की सहायता से अनावश्यक तत्व का जो है मूत्र के रूप में निष्कर्षित भी होता है तथा पसीने के निष्कर्षण से शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है। तो पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिदिन जो है कम से कम आपको 8 गिलास पानी पीने की आवश्यकता है। जो बच्चे 8 गिलास पानी नहीं पीते हैं, समझना जो है उनको बीमार होना पक्का है। साधारणतः हमें प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी में हमें दूध, छाछ, फल के रस के रूप में भी मिल जाता है, ठीक है, यानी पानी जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है। तो दोस्तों ये बात हमेशा ही याद रखना। आगे का टॉपिक जो दोस्तों हमारा है पोषक तत्व की आवश्यकता। देखिए हमने इतने पोषक तत्व किए हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, हमें क्यों ज़रूरी है?
तो कहते हैं हम कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी पोषक तत्वों के शरीर को आवश्यक होती है, पर पोषक तत्व की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हम कितना भोजन करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के पोषक तत्व की आवश्यकता की मात्रा अलग अलग बातों पर निर्भर करती है। तो ये बात तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि गांव में किस तरह के होते हैं और शहरों में किस तरह के जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन साथ में एक बात इम्पोर्टेंट और भी रहती है, वो ये रहता है कि इसमें आयु, लंबाई, लिंग, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। कहते हैं किसी भी व्यक्ति को पोषक तत्व की आवश्यकता की मात्रा अलग अलग बातों पर निर्भर करती है, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं पोषक तत्व की मात्रा निम्नलिखित बातों पर प्रभाव पड़ता है। देखिए आपको कितना भोजन लेना है वो कुछ बातों पे प्रभाव पड़ता है, तो वो बातें कौन सी हैं देखिए। सबसे पहले तो यही आता है आयु। देखिए आयु के अनुसार जो है व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब ये तो नहीं है कि जो छोटा सा बच्चा हो वो अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने लग जाए, ठीक है। तो ये आयु पे भी डिपेंड करता है कि बच्चों को भोजन कितनी चाहिए होता है। साथ में दूसरी बात आती है लंबाई और भार, कि लंबाई कितना है। देखिए लंबाई जितना रहेगा व्यक्ति जो है उतना ही भोजन ग्रहण करेगा, क्योंकि उसको शरीर की उतनी ही न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जितना वजन होगा उसी बेस पे भी माना जाएगा। फिर उसके बाद लिंग है। आपको पता है कि लिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी सेक्स भी बहुत काम की बात रहती है इसमें। इसमें ये बात रहती है कि लड़का है कि लड़की है। अब देखिए दोनों का सेक्स अलग होते हैं, तो इसमें लिंग जो होते हैं अलग होने के कारण भी जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मान्यता रखता है। कहते हैं लड़की अगर होती है तो वो अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करती है, जहां लड़के जो होते हैं अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन हम इस बात पे आज सहमत भी नहीं हो सकते, क्योंकि कहते हैं बच्चों की रुचि पे डिपेंड करता है और हालात पे डिपेंड करता है। क्योंकि कहीं कहीं देखा गया है कि लड़के भी जो होते हैं बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं और कहीं कहीं लड़की भी अधिक मात्रा में खाना खा लेती है। लेकिन जनरली बात यही देखा गया है कि लड़कियां जो होती है कम मात्रा में भोजन ग्रहण करती है लड़के के रिगार्डिंग, लड़के जो होते हैं बहुत कम मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। लड़के जो होते हैं अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं और लड़कियां कम मात्रा में। उसका जलवायु का भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए आपने देखा होगा गर्मी जैसे ही पड़ती है आप लोग जो होते हो भोजन कम खाना स्टार्ट कर देते हो, यही होता है ना। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है आपकी जो भोजन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो जलवायु भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके भोजन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है स्वास्थ्य। अब देखिए जो स्वास्थ्य व्यक्ति होता है वो अपना भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करता है, लेकिन जो वही अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं अगर शरीर में कुछ तरह की बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो भोजन जो है बहुत ही कम मात्रा में वो लोग जो है ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करता है। तीसरी बात जो आगे की बात आती है वो व्यवसाय है। देखिए व्यवसाय भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो व्यक्ति बहुत ही मेहनती काम करते हैं उनको अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति बैठे बैठे रहते हैं उनको भोजन अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनका जो है शरीर उतना पाचन नहीं कर पाता है जितना जो है काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो व्यवसाय भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करता है कि भोजन कैसे व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। उसके बारे में शारीरिक दक्षता, शरीर दक्षता भी अपने जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि व्यक्ति के शरीर की दक्षता कैसा है, वो किस प्रकार के जो है वर्क डन करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने पर्याप्त अनुसंधान के पश्चात विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा निर्धारित भी की गई है। कहते हैं निर्धारित दैनिक आवश्यकता पोषक तत्व की मात्रा को दर्शाती है। अब ध्यान दिया होगा कि हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति को भारी कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्त्री और पुरुष तथा उनकी शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य अवस्था या बीमार अवस्था पर भी ऊर्जा की आवश्यक मात्रा निर्भर करती है। गर्भावस्था के और दूध पिलाने वाली माताएं, लड़के व लड़कियों तथा पुरुष व स्त्री के लिए भी आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा में अंतर पाए जाता है, और ये सब बातें ध्यान देने योग्य है। अगर आप ध्यान में तालिका को देखो तो आप शिशु और स्कूल पूर्व की आयु वाले बच्चों के, स्कूली बच्चे, किशोर और व्यास सभी के लिए एक निर्धारित आवश्यक ऊर्जा की मात्रा देखेंगे। व्यास लोगों में कार्य की प्रकृति के आधार पर जो है ऊर्जा की आवश्यक मात्रा निर्भर करता है, कहते विभिन्न विभिन्न हो सकती है। गर्भावस्था और दुर्ग स्वास्थ्य के समय आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अलग बताई गई है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तथा शारीरिक आवश्यकताओं को अनुरूप भी पोषक तत्व की आवश्यकता मात्रा निर्धारित की गई है, यानी सबके जो है अलग अलग पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है आहार पोषण तथा स्वास्थ्य में परस्पर संबंध क्या होते हैं। कहते हैं कि आपने आरंभ से ही आहार या भोजन के अर्थ कार्य के बारे में जाना और समझा है। आपने स्वास्थ्य की परिभाषा भी पहले पढ़ चुके हैं। आइए हम पोषण के बारे में विस्तार से पढ़े और जाने कि समझे कि आहार तथा पोषण किस प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट है पोषण। देखिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन केंद्र बिंदु है। पोषण की सबसे सरल परिभाषा है मुख में प्रवेश करने के बाद भोजन पर किया गया अध्ययन। पोषण की जो औपचारिक परिभाषा इस प्रकार भी है कि ऐसे प्रक्रिया का अध्ययन जिसमें जीव अपनी वृद्धि विकास एवं शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं उसी ढंग से उपयोग भी करते हैं। सभी भोज्य पदार्थों के कुछ ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। भोजन में उपस्थित ये आवश्यक तत्व ही पोषक तत्व कहलाता है। यानी भोजन में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसी को ही हम पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन एलिमेंट कहलाता है। ये पोषक तत्व शरीर के विभिन्न कार्य में सहायक होते हैं जैसे कि वृद्धि में, अंगों में संरक्षण में, रोग के प्रति संरक्षण। तो ये कई जगह जो है हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। कहते हैं किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके द्वारा उपयुक्त भोजन के प्रकार व मात्रा पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति की वृद्धि और विकास के लिए तथा स्वस्थ जीवन के लिए अच्छे पोषण अनिवार्य हैं। जब कोई व्यक्ति सही भोजन नहीं करता है तो शरीर का सामान्य विकास नहीं हो पाता है। शरीर कुछ अवयव हैं जो कुछ बीमारी की भी आशंका रहती है। कुपोषण से मानसिक व सामाजिक दोनों ही विकास पर प्रभाव पड़ता है। कहते हैं सही पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक प्रक्षेपित होती है। कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन जो ग्रहण करते हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाल सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाल लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाल श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाल श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाल श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पर भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।